हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग देसी मॉम ब्लॉग और मेरा नाम है रितिका। वेल, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वेल, करंट सिचुएशन की वजह से हम सभी लोग अपनी इम्यूनिटी और अपनी हेल्थ के प्रति काफी कंसर्न हो गए हैं, तो मैंने सोचा आज आप सभी के साथ एक सुपर फूड शेयर किया जाए। तो इस वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। वेल, आपने कैप्शन में और यहाँ पे इसकी बॉटल देख ही ली होगी, मैं बात करने वाली हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स और साथ ही साथ इसके कुछ यूजेज। किसी भी इंग्रेडिएंट का ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है उसे प्रेस करना, और उसे तब तक प्रेस करना जब तक कि मैक्सिमम ऑयल उसमें से निकालना लिया जाए। सिमिलरली ऑलिव्स को भी प्रेस किया जाता है जब तक कि उसमें से सारा ऑयल ना निकल जाए, और जो पहली बार में ऑयल निकलता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्योंकि पहली बार में ये निकला है तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही साथ विटामिन होते हैं। आई ट्रस्ट ऑन डिसानो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्योंकि इसे बनाने में कोल्ड प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। कोल्ड प्रेस टेक्निक होती है जिसमें हीट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं या फिर विटामिन हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, इसी के अंदर बंद रहते हैं। तो अगर इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ऑलिव ऑयल का। वेल, ये तो बात थी इसके प्रोसेस की, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। नंबर एक, ऑलमोस्ट सभी एडिबल ऑयल में से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को बेटर माना गया है क्योंकि इसमें है हाई परसेंटेज ऑफ गुड फैट, और गुड फैट आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही साथ आपको कई क्रॉनिक डिजीजेस से भी बचाता है। पॉइंट नंबर टू, वेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज लोडेड विद बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन ई। ये आपकी बॉडी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाता है और साथ ही साथ आपकी अर्ली एजिंग के साइंस को भी रोकता है। पॉइंट नंबर थ्री, आप एक ऑयल से कुकिंग भी कर सकते हैं एंड अपना स्किन एंड हेयर केयर का ध्यान भी रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट नंबर थ्री स्किन एंड हेयर केयर में कैसे। वेल, चलिए बताती हूँ कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अपने बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो आइए बनाते हैं ऑलिव ऑयल हेयर मास्क। सबसे पहले आधा चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा चम्मच हनी और आधा नींबू का रस, इन सबको लेकर मिक्स कर लीजिए और कॉटन की हेल्प से अपने बालों की रूट्स पे इसे अप्लाई कर लीजिए। इसे करीब 15 मिनट तक बालों में लगे रहने दीजिए और इसके बाद इसे वॉश कर लें, इससे बाल सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। ऑलिव ऑयल को अपने बालों पे अच्छे से मसाज कर लीजिए और करीब 10 मिनट बाद आप हॉट टॉवल थेरेपी ट्राई करना, इससे बालों की रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम सभी गर्ल्स सुंदर आईब्रोज और आई लैशेस चाहती हैं, इसके लिए आपको ऑलिव ऑयल बस मसाज करना है हल्के हाथों से आई लैशेस पे और आईब्रोज पर और छोड़ देना है 10 से 20 मिनट तक। उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप कुछ ही दिनों में अपनी आईब्रोज और आई लैशेज में फ़र्क देखेंगे। साथ ही आप अपने नेल्स ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हैं, इससे नेल्स शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मॉर्निंग में एक चम्मच ऑलिव ऑयल इज रियली गुड फॉर हेल्थ। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरीके से मैं दिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, और आप सभी भी इसे इंक्लूड करिए अपनी डेली लाइफ में। सिर्फ एक ऑयल और कंप्लीट बॉडी स्किन एंड हेयर केयर के लिए ये हेल्प करेगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका प्राइस और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कॉमेंट में ज़रूर बताइए।